हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एमजी सेक इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम टेंस का अगला वीडियो पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा कि जो कार्य होता है, ठीक है, वह क्या हो, पूर्ण और प्लस अपूर्ण, यानी कि कार्य का एक्शन का कुछ भाग, ठीक है, पूरा हो और कुछ भाग, ठीक, अधूरा, कुछ भाग, ठीक है। इसका मतलब जो दिया हुआ एक्शन होगा उसमें कुछ पार्ट कंप्लीट होगा और कुछ पार्ट इनकम्प्लीट होगा, ठीक। और प्लस इसके साथ क्या दिया हो, समय दिया हो, लेकिन किसमें, पास्ट में, ठीक। तो वो किस टेंस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बनाने के लिए क्या लगाएंगे, हैड बीन, और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, आई एन जी, ठीक। जैसे तुम सुबह से, और ये जो टाइम है, टाइम के लिए हमने बताया था, ठीक है, सिंस और फॉर का यूज, तो बताए थे कि सिंस किसके लिए लगता है, निश्चित समय। निश्चित समय को हम एक और नाम दिए थे, क्या चीज, पॉइंट ऑफ टाइम इंग्लिश में, तो क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर के लिए अनिश्चित समय, इसको इंग्लिश में कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। पिछले वाले वीडियो में आप देख के क्लियर कर लीजिए, तुम सुबह से अपना पार्ट याद, तुम के जगह तो वह करते हैं, नहीं, वह सुबह से अपना पाठ याद कर रहा था, ठीक। एक निगेटिव बना दे, तुम 2 दिनों से अपने मित्र के घर क्यों नहीं जा रहे, इंटरोगेटिव निगेटिव दोनों बन, क्यों नहीं जा रहे थे, ठीक। अब इसको देखते हैं बनेगा कैसे, वह ही के साथ क्या लग जाएगा, हैड बी, ठीक, हैड बीन के बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब कहाँ रहता है, लास्ट में, लर्न में से याद करना, आईएनजी जोड़ दिया, लर्निंग, अपना पार्ट तो ही के साथ अपना की अंग्रेजी, हेज, लेसन कब से, सुबह से, तो सुबह क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो सिंस मॉर्निंग, ठीक। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो क्या करते हैं, उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, तो वाई लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड हो जाएगा, सब्जेक्ट है यू, नहीं आ गया नॉट, फिर क्या लगा देंगे, बीन, जा रहे हो या जा रहे थे, गो, आई एन जी गोइंग, कहां, अपने मित्र के घर, तो क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड्स, फ्रेंड में क्या लगा देंगे, apostrophe, यस, फ्रेंड्स होम गोइंग, तो कहीं जाने के लिए क्या लगता है, टू, तो टू लगा दिए, गोइंग टू योर फ्रेंड्स होम, 2 दिनों से, तो 2 दिन क्या होता है, अनिश्चित होता है, तो फॉर 2 डेज, और लास्ट में इंटरोगेटिव, ठीक। अब और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, ये हो जाएगा क्लियर, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा, पास्ट में भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे लगता था हैज बीन हैव बीन, उसी तरीके से इसमें हैड बीन लग जाता है, टाइम के लिए सिंस ऑफ आर का यूज आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक दो एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल बता दे रहे हैं, तो जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा वो भी क्या होता है, एक्शन जो दिया होगा वो भी कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों होगा उसमें, जैसे
यह डॉक्टर रोगी को अप्रैल से दवाइयां दे नहीं दे रहा नहीं दे रहा था। ठीक, यह डॉक्टर रोगी को अप्रैल से दवाइयां नहीं दे रहा था। तो उसके बाद एक और एग्जांपल लिख दे रहे हैं, वह कितने दिनों से तुमसे मिलने नहीं आ रहा था। ठीक ठीक है। अरे हो गया भाई, एक के दिन में ही शंकर भगवान को मना लेंगे इनका पूरा हो जाएगा, देख लो। असोमवार है ना, तो आ गए हैं। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, वे लड़कियां 2 महीने से अपना पार्ट याद क्यों नहीं कर रही थी। ठीक, तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब इसको हम बनाते हैं, तो यह डॉक्टर का क्या होगा, दिस डॉक्टर नहीं है तो हैड के बाद नॉट फिर बीन लिखेंगे, तो दिस डॉक्टर हैड नॉट बीन। दवाई देने का होता है प्रिस्क्राइब। ठीक है, अब देख लो भाव इसी में, तो प्रेस्क्राइब में अंतिम अक्षर जब ई आता है तो ई को हटा करके आई एन जी जोड़ देते हैं। डॉक्टर लोग दवाई लिखते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसको प्रेस्क्रिप्शन बोला जाता है। प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइबिंग किसको, द पेशेंट, क्या चीज, दवाइयां, मेरी सीन्स। ठीक है, दिस डॉक्टर has been prescribing the patient medicines, कब से, अप्रैल से, तो since April, अप्रैल में एक capital letter में। अगर आप चाहेंगे तो the patient यानी कि ये सजीव object है इसीलिए इसको पहले लिख दिए, medicines क्या है, निर्जीव है इसीलिए इसको बाद में लिखे हैं। अगर medicine को हम पहले लिखेंगे medicines, ठीक है, तो टू द पेशेंट लिखना पड़ेगा, टू द पेशेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब निर्जीव ऑब्जेक्ट यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू या फॉर प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। ठीक है, कितने दिनों से, तो फॉर हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज, कौन, तो वह, तो सब्जेक्ट के पहले है फिर ही, फिर बीन, अच्छा नॉट भी है, नहीं आ गया तो नॉट तब बीन लगाएंगे। आ रहा था कम, अंतिम अक्षर ही हटा दिए, आई एन जी कमिंग, तुमसे मिलने, टू मीट यू, अब टाइम पहले ही पूछ लिया है इसीलिए फॉर को पहले लगा दिए हैं। अगर आएगा कब से, कब से, ठीक है, तो सिंस वेन पहले ही लिख देंगे। ठीक, अगर टाइम के लिए आ जाए, टाइम पूछ ले कब से, तो क्या लिख देंगे, सिंस व्हेन, ये कहां लिख देंगे, शुरू। ठीक, और बाकी दूसरा टाइम पूछेगा कितने दिनों से, कितने महीनों से, तो फॉर लगा देंगे उसमें। क्यों, तो क्यों का वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, वे लड़कियां, दोज गर्ल्स, नहीं, नॉट, फिर बीन, याद करना, लर्न, आई एन जी जोड़ दिए, लर्निंग,
अपना पार्ट, देयर रिलेशन, कब से? दो महीनों से, ठीक है, फॉर टू मंथ्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो इस तरीके से ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टाइम अगर पूछेगा तो ध्यान देना है कितना दिन कितना महीना आएगा, तो फॉर पहले लगा देंगे, फॉर हाउ मेनी डेज हाउ मेनी मंथ्स, और कब से आएगा तो सिंस व्हेन, ठीक। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक। थैंक यू।